एवरीवन, दिस इज कपिल कादियन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विच इज ए बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री। तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक को परचेज करें, कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक्स रहने वाली हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो मैं आज अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कुछ बुक्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, उनके रिव्यू के बारे में जानेंगे, क्या उनका कॉस्ट प्राइस रहेगा, किस प्रकार के कंटेंट्स उनके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे पास जो आज की बुक्स रहने वाली है बेसिकली बच्चों, तो ये बुक्स मैं लेके आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, रचना सागर टूगेदर विद केमिस्ट्री की ये बुक थी जिसका हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे किस प्रकार का ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक रहने वाला है। तो ये बेसिकली इसका फर्स्ट पेज रहेगा, प्रिंटिंग जो पेज है। यदि बात करें बेसिकली बच्चों बैक साइड से, तो बैक साइड से इस प्रकार की ये बुक्स रहने वाली जिसका मैं आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के सामने। इस बुक्स के अंदर यदि बात करें तो हमारे पास बेसिकली चैप्टर वाइज रीडिंग मटेरियल, सोल्ड क्वेश्चन आंसर, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो फर्स्ट पेज पे यहाँ पर प्रिंटिंग किया गया है। सेकेंडली यदि बात करें तो इसके अंदर बच्चों एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक्स के जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आपको इस बुक्स के अंदर मिलेंगे। उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो कॉम्पिटिशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद यदि बात करें प्रैक्टिस पेपर डिजाइन विद ए टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड सजेस्टेड बाय दिस CBSE, तो ये यहाँ पर चार मॉड्यूल यहाँ पर बेसिकली शो किए गए हैं, तो ये सारा कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। तो बात करेंगे बेसिकली बच्चों इसके बारे में, यदि बात करें नीचे से स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन द लेटेस्ट CBSE सिलेबस एंड NCERT टेक्स्ट बुक, तो ये सारा इसके अंदर आपको मिलेगा। तो इसके बारे में टोटली जानेंगे किस प्रकार की ये बुक्स रहने वाली है, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर है, तो चैप्टर को थोड़ा रीड करके देखेंगे किस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्या इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, क्या ये कॉम्पिटिशन लेवल के टाइप के क्वेश्चन भी इस बुक्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। यदि बैक साइड से बात करें तो बहुत अच्छी प्रिंटिंग यहाँ पर की गई है, अंदर से खोल के देखते हैं तो बेसिकली बच्चों हमारे पास यहाँ पर काफी क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, तो वह मैं अपनी वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल रीड करके दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार की ये बुक्स रहेगी, क्या रियलिटी में हमें इस बुक्स को परचेज करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा एज यू विश। क्योंकि बच्चों ये बेसिकली जो बुक्स आती है मार्केट के अंदर काफी डिफरेंट कंपनी की अवेलेबल होती है, तो कौन सी आपने परचेज करनी है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा बेसिकली। तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो मैं सारे रीड करके बेसिकली आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं अपनी इस वीडियो के। अब हम टुगेदर विद केमिस्ट्री को अंदर से पढ़ के देखेंगे बच्चों, जो क्वेश्चन बैंक का अभी हमने अनबॉक्सिंग किया था, तो इसके बारे में जानेंगे किस प्रकार का कॉन्टेंट इस बुक्स के अंदर रहने वाला है बेसिकली। यदि बात करते हैं फ्रंट पेज पे तो यहाँ पर काफी कुछ मैंशन किया गया है कि जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज रीडिंग मटेरियल, सोल्ड क्वेश्चन बैंक प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। साथ साथ में यदि बात करते हैं तो यहां पर आप लोग को कंप्लीटली सोल्ड NCERT टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर NCERT इन टेक्स और प्लस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सोल्ड होंगे। उसके साथ साथ यदि बात करें केस बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर जो बेसिकली डिजाइन किए गए ऑन टाइम मैनेजमेंट स्किल एज द सजेस्टेड बाय द CBSE के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन बैंक जो आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ बेसिकली, तो इसके बारे में आप जानने वाले हैं। तो ये टुगेदर विद केमिस्ट्री रचना सागर पब्लिकेशन का ये बेसिकली क्वेश्चन बैंक है। अब इसके अंदर जाके देखते हैं बच्चों किस प्रकार का सिलेबस यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया गया है, तो ये इसके अंदर के पेज की कवरिंग है बेसिकली। यदि बात करें तो अच्छे पेज हैं, ऐसी बात नहीं है, तो अच्छे तरह से डिजाइनिंग किया गया है। तो ये हमारे पास यदि बात करते हैं सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए CBSE का जो टोटल न्यू सिलेबस चल के आया था जिसके अंदर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल, काइनेटिक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ये सारे चैप्टर यहाँ पर, और कौन कौन से कितने मार्क्स के आने वाले हैं और किस किस चैप्टर में से क्या क्या आपको करना है, तो ये आपको इस पेज पर टोटली मिल जाएगा। उसके बाद यदि बात करते हैं नेक्स्ट की बात, इसके अंदर बच्चों कंटेंट्स, अब कंटेंट यहाँ पर बेसिकली क्या क्या दिया गया है पार्ट वन के अंदर। अब यहाँ पर चैप्टर ग्लांस, इम्पोर्टेंट टर्म्स प्लस कॉन्सेप्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्ड, और ये सारे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी आपको पता ही है सॉलिड स्टेट आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, सरफेस केमिस्ट्री आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंदर बच्चों, तो ये हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से बेसिकली सॉल्यूशन वाला। तो फर्स्ट के अंदर चैप्टर एट ए ग्लांस, तो यहाँ पर भी चैप्टर में हमने क्या क्या करना है सॉल्यूशन के अंदर,
गैसेस सॉल्यूशन क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब ये प्रॉपर ही एक फ्लो चार्ट के रूप में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर कर दिया गया है। उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर, ये तो हमारे पास है चैप्टर एट ए ग्लांस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यदि चलते हैं तो इसके अंदर आपको लर्निंग आउटकम्स दिया गया है इस पेज के ऊपर। की व्हाट यू मीन बाय द लर्निंग आउटकम्स, की क्या क्या आपको इसके अंदर लर्न करना है। उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिलेगा इस बुक्स के अंदर, इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर्मूले सारे यहाँ पर मेंशन आपको किए गए हैं, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉन मोलैरिटी, ये सारे हेनरी लॉ क्या होता है, रोल्स लॉ क्या होता है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिए गए हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। उसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको आगे नेक्स्ट पेज पे क्या मिलेगा बच्चों, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है सारे ये सोल्ड हैं, और ये बहुत अच्छी बात है इस बुक्स के अंदर कि एनसीईआरटी की काफ़ी डिमांड रहती है सीबीएसई के अंदर, तो ये सारे सोल्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ जब हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, एनसीईआरटी के हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन ये भी ऑलरेडी सारे के सारे सोल्ड हैं। उसके साथ साथ आगे हम इसका रिव्यू करेंगे, आगे जा के चेक करते हैं किस प्रकार की बेसिकली इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जैसे ही फिनिश होता है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया गया है सोल्ड क्वेश्चन बैंक। अब ये वो सोल्ड क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो मेंशन किए गए हैं सीबीएसई 2021 में आया है, उसके बाद 22 में जैसा भी है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है ये बेसिकली, और ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी मेंशन किए गए हैं, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर टाइप क्वेश्चन है वो सारे इस बुक्स के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी मेंशनड हैं। उसके बाद यदि बात करें तो ये एमसीक्यू जैसे ही फिनिश होते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, तो इसके अंदर ट्रू फॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ एंटी फ्रीज क्या होता है, व्हाट इज़ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। अब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर एसपीएम क्या होती है। अब यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर इस बुक्स में अच्छे लगे मुझे देखने को। उसके साथ साथ जब हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों तो इसके अंदर सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, 81 देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चन बैंक है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं सभी। उसके साथ साथ यदि हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों तो इसके अंदर मैक्सिमम देखो भाई काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी हैं इस चैप्टर के अंदर। आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है उनकी, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर 102 क्वेश्चन हैं। उसके साथ साथ केस बेस्ड स्टडी भी आपको यहाँ पर इस बुक्स के अंदर मिलेगी, तो केस बेस्ड स्टडी भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की गई है, तो ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं इसके अंदर बच्चों तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जो कुछ करने होंगे तो वो भी इस बुक्स के अंदर आपके लिए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर और क्या गिवन है, तो ये हमारे पास काफ़ी प्रैक्टिसेस वाले क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक चैप्टर वाइज, तो अच्छा लगा। बुक्स के अंदर बहुत कुछ मटेरियल्स आपको मिलने वाला है जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ऐसे ही इसके अंदर भी चैप्टर क्लास दिया गया है, तो ये अच्छी बुक्स रही बेसिकली बच्चों। तो ये हमारे पास रहेगी बेसिकली जिस बुक्स का नाम है हमारे पास क्वेश्चन बैंक। अब ये रचना सागर पब्लिकेशन की है, तो आप इसको परचेज करना चाहें तो इसको भी कहाँ से परचेज कर सकते हैं, rachnasagar.in से, या फिर rachnasagar.digitext ऐप से, या फिर अमेजोन से आप इसको परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। जो इस बुक्स का कॉस्ट प्राइस रहेगा तो वो कॉस्ट प्राइस रहेगा बेसिकली बच्चों इसका 549, ठीक है ना। तो इस पर डिस्काउंट ऑलरेडी चलता रहता है सभी बुक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इनसे आप फॉलो कर सकते हैं, तो इस बुक्स को भी आप अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फ्रंट पेज रहने वाला है टुगेदर विद केमिस्ट्री, आप जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक के नाम से ये बुक्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, तो
आप एज यू विश आप परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते थे कि सर कुछ बुक्स की अनबॉक्सिंग कीजिए, तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए बुक्स की अनबॉक्सिंग स्टार्ट की है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।